हाई एवरीवन, हियर इज़ अवर नेक्स्ट पार्ट ऑफ चैप्टर नंबर 13। द वर्ल्ड फेमस पश्मीना। इट इज़ बिलीव दैट अ पश्मीना शॉल इज़ एज वार्म एज सिक्स स्वेटर्स। ऐसा माना जाता है कि पश्मीना जो शॉल होती है वो 6 स्वेटर की गर्मी हमको देती है। अगर हमने 6 स्वेटर पहने हैं तो उतनी ही गर्मी हमको सिर्फ एक शॉल, पश्मीना का शॉल दे सकता है। वो बहुत गर्म होता है, बहुत गर्म ऊन से बनाया जाता है। द गॉड्स फ्रॉम विच द सॉफ्ट पश्मीना वूल इज कलेक्टेड आर फाउंड ऑन वेरी हाई एल्टीट्यूड ऑफ 5000 मीटर्स। इन विंटर द टेम्परेचर हेयर ड्रॉप्स बिलो 0 degree टू -40 degree Celsius। इतनी ठंडी जगह पर जो गॉड्स रहती हैं, ठंडियों में जो टेम्परेचर है वो 0 degree से भी नीचे चला जाता है, माइनस में चला जाता है। इतनी ठंडी जगह पर जो गॉड्स रहती हैं उनके बालों को, शीप को, उनके बालों से लेकर ये पश्मीना शॉल तैयार की जाती है। ए गॉट ए कोट ऑफ वार्म हेयर ग्रोज ऑन द गॉड्स बॉडी विच प्रोटेक्ट इट फ्रॉम एक्सट्रीम कोल्ड। जो गॉड के पूरी बॉडी पर बालों की लेयर चढ़ जाती है, बाल आ जाते हैं उनके पूरी बॉडी पर, ठीक है, बाल होते हैं बहुत बड़े बड़े गरम गरम, ठीक है, वही जो बाल होते हैं उनको इतनी ठंडी से बचाते हैं। द गॉड शेड सम ऑफ देयर हेयर इन समर। दिस हेयर इज सो फाइन दैट 6 ऑफ दीज वुड बी एज थिक एज 1 हेयर ऑफ योर्स। हमारा जितना एक बाल होता है उससे 6 गुना मोटा, 6 times मोटा, ओके, उससे 6 times मोटा उस होता है उस गॉड का एक बाल। द फाइन हेयर कैन नॉट बी वुवन ऑन मशीन एंड सो वीवर्स ऑफ कश्मीर मेक दिस शॉल बाय हैंड। उनका जो बाल इतने मोटे होते हैं ना, जब उसको कटिंग किए जाते हैं उनके फर इतने मोटे होते हैं कि उनको मशीन में डालकर बुनना मुश्किल होता है। इसलिए कश्मीर के जो भी कारीगर हैं उन शॉलों को हाथ से बनाते हैं। दिस इज़ अ लॉन्ग एंड डिफ़िकल्ट प्रोसेस। ये हाथ से बनाने वाला जो शॉल का जो प्रोसेस है वो बहुत लंबा होता है और बहुत हार्ड होता है। हाथ से बनाने में बहुत तकलीफ होती है। आफ्टर ऑलमोस्ट 250 hours ऑफ वीविंग वन प्लेन पश्मीना शॉल इज मेड। कम से कम 250 hours लगाने के बाद, कम से कम 250 hours का मतलब हुआ कि 15-20 days लगाने के बाद एक सिंपल सादा पश्मीना शॉल तैयार होती है। और अगर उसमें डिज़ाइन भी बताओ, जैसे कि आपको पिक्चर में आप देख रहे हो डिज़ाइन बनानी हो तो और 1 week लग सकता है। ओके, वन प्लेन पश्मीना शॉल इज मेड। इमेजिन हाउ लॉन्ग इट वुड मेक टू अ शॉल विथ एम्ब्रॉयडरी। और अगर वही मैंने आपको बताया ना, वही अगर एम्ब्रॉयडरी से बनाना हो, यानी कि सिंपल शॉल पर फिर एम्ब्रॉयडरी करनी हो तो और भी ज़्यादा टाइम लगता है। एज वी स्टेप्ड इनटू द टेंट आई रियलाइज दैट आई कुड स्टैंड अप स्ट्रेट। आई इट वॉज नॉट लाइक माई टेंट। I also saw that the Rebo was as big as his room in my flat in Mumbai. यहाँ पे आप जो एक टेंट जैसा देख रहे हैं वहाँ उसे रीबो कहा जाता है, ठीक है, रीबो। तो वो ये सोचते हैं कि उस रीबो में कुछ लोगों ने उनको बुलाया और वो वहाँ पे उन्होंने स्टे किया, तो उन्हें ऐसा लगा कि ये जो रीबो है वो उनके मुंबई में जो उनका फ्लैट है वो उससे भी फ्लैट है, जो फ्लैट में जो रूम है वो उससे भी ज़्यादा बड़ा है। इट वॉज हेल्ड अप बाय 2 wooden poles इन द मिडल। मिडल में 2 wooden poles को खड़ा करके उसे बनाया जाता है। देयर वॉज एन ओपनिंग टू लेट आउट द स्मोक फ्रॉम द चूल्हा। और उस पर छोटी सी विंडो भी बनाई जाती है ताकि अंदर चूल्हा अगर जलाया है तो चूल्हे की जो भी स्मोक है वो बाहर निकल सके। ओके, नामग्याल टोल्ड दैट द डिज़ाइन ऑफ दिस टेंट इज मोर देन 1000 years old। नामग्याल जो यहाँ पे आपको पिक्चर में देख रहे हैं ना खड़े हैं, उनका नाम नामग्याल है, वो ये बताते हैं कि ये ऐसे टेंट की जो डिज़ाइन है वो कम से कम 1000 years पुरानी है, मतलब 1000 साल पहले भी लोग इस तरह के टेंट बनाकर रहते थे।
The tent protected the चेंगपास from extremely कॉल्ड. चेंगेपा को यानी कि इन दोनों को वो वहाँ पर जो बहुत भयानक ठंडी पड़ती है उससे बचाता है. हाउ कोल्ड इट मस्ट बी इन विंटर. द टेम्परेचर ड्रॉप्स मैनी डिग्री बिलो ज़ीरो. जम्मू कश्मीर में विंटर में जो टेम्परेचर है बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है. टेम्परेचर है वो ज़ीरो डिग्री से नीचे तो जाता ही है, इवन माइनस में भी चला जाता है. तो विंड ब्लो और ठंडी ठंडी हवाएं बहती हैं, ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं कम से कम 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से. बहुत फास्ट हवाएं भी चलती हैं. इमेजिन, अगर इमेजिन करो कि इफ़ यू वर ऑन अ बस विच वॉज गोइंग एट दिस स्पीड, अगर 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कोई बस जा रही हो, हाउ फार फ्रॉम योर हाउस वुड यू रीच इन वन आवर. कि आपका घर कितना दूर है कि आप उससे कितनी देर में पहुंच जाओगे. नियर द रिवर देयर वॉज अ प्लेस टू कीप शीप एंड गॉट्स. यहाँ पे रिवर के आसपास ही उन्होंने अपना पूरा घर बसाया हुआ था, कपड़े सुखाने की डोरी, अपना सामान, ठीक है, अब उनके भेड़ बकरियाँ सब उन्होंने वहीं पर ही बसाया हुआ था आसपास. रिवर मतलब एक तरह का घर ही है, ठीक है, टेम्परेरी घर, ओके, जो उनको बहुत ज़्यादा ठंडी से बचाता है.